हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। प्रीवियस ट्रिप्स में मैं आपको लेके गई थी मॉरिशस और भोपाल, इंदौर, मांडू, और इस तरह हम घूमते ही रहते हैं। अब हमारी नेक्स्ट जो लोकेशन है वो है अंडमान एंड निकोबार। दोस्तों, हमें डायरेक्ट पोर्ट ब्लेयर की फ्लाइट नहीं मिली थी, हमारा एक स्टॉप था जो कि कोलकाता था। कोलकाता में हमारा टीम फ्लाइट लेके हम 2 घंटे में ही पोर्ट ब्लेयर पहुंच गए थे। कोलकाता एयरपोर्ट, तो कोलकाता एयरपोर्ट पे अभी बज रहे हैं 2:30 और अभी हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। लाउंज भी सारे बंद है, तो अब हम बस वेट कर रहे हैं कि जैसे लाउंज खुलेंगे हम वहाँ का एक्सेस लेके वहाँ पे खाएंगे पिएंगे और वहीं पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और फिर हमारी 3 घंटे बाद पोर्ट ब्लेयर के लिए फ्लाइट है, फिर हम वो फ्लाइट के लिए मूव करेंगे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि अंडमान एंड निकोबार जो हमारा आइलैंड है वो भारत की एक यूनियन टेरिटरी है जो कि बे ऑफ बंगाल के साउथ में इंडियन ओशन में है। अंडमान एंड निकोबार में टोटल 572 छोटे बड़े आइलैंड हैं, जिनमें से सिर्फ कुछ ही आइलैंड के लोग रहते हैं, और इसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। तो सुंदर लग रहा है ना सनराइज। तो हमारी फ्लाइट थोड़ा सा डिले हो गई और यहाँ पे अभी सनराइज भी हो चुका है, जो देखने में काफी खूबसूरत है। दोस्तों, अगर अंडमान में पॉपुलेशन की बात की जाए तो उसमें 53% मेल और अराउंड 47% जो है फीमेल रहती है, और 10% जो टोटल पॉपुलेशन की, जो 10% है वो निकोबार आइलैंड में रहती है। दोस्तों, अंडमान फेमस है अपने सुंदर क्लीन बीचेस, एक्सीलेंट म्यूजियम्स, हॉन्टेड आइलैंड, और इसके आपके मन को छू लेने वाले इतिहास के लिए। और यहाँ पर अनेक प्रकार के यूजफुल प्लांट्स हैं, जिसमें अंडमान का 86% जो एरिया है वो जंगलों से ढका हुआ है। दोस्तों, बेस्ट टाइम जो है अंडमान को विजिट करने का है अक्टूबर से फरवरी, क्योंकि इस टाइम ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो आप इस टाइम पे जाके कुछ दिन पोर्ट ब्लेयर में और बाकी यहाँ के जो सुंदर सुंदर आइलैंड है वहाँ पर बिता सकते हैं आराम से। तो अंडमान एंड निकोबार 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है उत्तर मतलब नॉर्थ एंड मिडल अंडमान, और सेकेंड पार्ट है साउथ अंडमान, एंड थर्ड पार्ट है निकोबार। दोस्तों, अंडमान तक आप बाय एयर भी जा सकते हैं और शिप के थ्रू भी जा सकते हैं, जो कि आपको कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम से शिप जाता है और अपने साथ कार्गो लेके, और इस शिप को पहुंचने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। और बाय एयर अगर आप जाएंगे तो कंट्री की सारी जो मेन एयरलाइंस हैं वो मेनली चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और भुवनेश्वर से पोर्ट ब्लेयर को डायरेक्ट कनेक्ट करती हैं, और या फिर 1 या 2 स्टॉप के साथ आप वहाँ कुछ ही टाइम में पहुंच सकते हैं। और यहाँ की मेन लैंग्वेज जो है वो हिंदी और इंग्लिश है, लेकिन बोलने वाली जो लैंग्वेज है यहाँ पे बहुत तरह की भाषा बोली जाती है, लाइक बंगाली, तमिल, तेलुगु, निकोबारी, मलयालम, मतलब काफ़ी अलग अलग टाइप की। लेकिन हाँ, हिंदी लैंग्वेज वाला इशू हमको यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी लोगों को हिंदी आती ही थी यहाँ पे। दोस्तों, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है, जो पोर्ट ब्लेयर में लोकेटेड है, और यहाँ पर आप लोकल घूमने के लिए ऑटो रिक्शाज ले सकते हैं जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल और कंफर्टेबल है। बाकी यहाँ पे लोकल बसेस भी अवेलेबल हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे कैब सर्विसेज भी ले सकते हैं। बस स्टैंड तो यहाँ से कहाँ कहाँ तक बस जाती है? यहाँ से तो आपका 320 किलोमीटर नॉर्थ मिडिल अंडमान तक जाता है ना। अच्छा, ये साउथ अंडमान है? ये साउथ अंडमान। और निकोबार में, निकोबार के अंडर है ना, बहुत आइलैंड आता है उसको, वो सब साउथर्न ग्रुप आइलैंड। अच्छा, सदर्न ग्रुप है। सदर्न ग्रुप है। निकोबार तो दोस्तों, हम आ गए हैं अंडमान एंड निकोबार के सेलुलर जेल में, जिसको काला पानी भी कहते थे। ब्रिटिश शासन द्वारा इस स्थान का उपयोग इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट जो थे उनको पनिश करने के लिए किया जाता था, और वो लोग स्ट्रेटजीज बनाकर जो
इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे उनको भारत से अलग रखने के लिए ये काले पानी की सजा देते थे। यहाँ पर हमने एक गाइड लिया था जिसने हमें पूरी हिस्ट्री बताई यहाँ की, और उसने हमें बहुत बार ये बोला कि भारत को आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, बहुत सारे इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट का सेक्रीफाइस, जिनको क्रांतिकारी भी कहते थे, इसमें सबका सेक्रीफाइस इंक्लूडेड है। हम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के वीरों और भारत के उन सब बहादुर सुपुत्रों की स्मृति में जिन्होंने अपने प्रिय मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु अपने अनवरत संघर्ष के दौरान इन द्वीपों में कारावास तथा यातनाएं भोगी। महाराष्ट्र जिनका नाम एयरपोर्ट है, ठीक है। कैसे मूवमेंट करने से पहले आपको ये बता देंगे, पहले हम देखेंगे हैंगिंग पॉइंट हैंग हुआ कि नहीं, एक्सप्लेनेशन होएगा। यहाँ पे वो लोग लटकते थे और ये हटा देते थे तो नीचे खुल जाता था। अच्छा, ये ऊपर से डैम खुलता होगा, नीचे आके वो गिर जाते होंगे, फिर यहाँ से बॉडी निकाल लेते होंगे। दोस्तों, इस सेलुलर जेल का कंस्ट्रक्शन 1896 में स्टार्ट हुआ था और 1906 में कंप्लीट हो गया था। इस जेल के अंदर 694 कोठरियां हैं जिनको सेल्स भी बोलते हैं, और जो ईंटें यूज़ की जाती थी इस बिल्डिंग को बनाने के लिए वो बर्मा से मंगाई गई थी। दोस्तों, इस जेल का कंस्ट्रक्शन 7 विंग्स में हुआ है और हर एक विंग्स में 3 स्टोरीज हैं, लेकिन अब तो इस जेल के सिर्फ 3 विंग्स बचे हैं। और इसके सेंटर में एक टावर होता था जिसका यूज गार्ड करते थे सारे विंग्स पे नजर रखने के लिए। ये उनका रूम था फ्रीडम फाइटर्स का, यहाँ से उनको खाना दिया जाता था, और ये उनका लॉक सिस्टम था कि अगर उनको चाबी भी दे दी जाए तब भी वो हाथ डाल के लॉक नहीं खोल सकते। अपनी बुक में मतलब बायोग्राफी में ये मेंशन किया कि मेरे सर के सामने से नीचे ही हैंगिंग पॉइंट है, इससे ये पता लगा है कि वीर सावरकर का कौन सा सेल। दोस्तों, ये जो सेलुलर जेल है ये नाम ड्राइव हुआ है सॉलिटरी सेल्स से, और इस जेल को बनाने का मोटिव था वहाँ के कैदियों का आपस में कम्युनिकेशन रोकना, उनका मेल जोल रोकना। इसलिए ये सातों विंग्स इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि एक विंग का जो फ्रंट है उसको दूसरे विंग का बैक साइड ही दिखाई देगा, तो आपस में कम्युनिकेशन तो एकदम ही इम्पॉसिबल था। दोस्तों, इस जेल के लॉक्स इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि अगर जेल का गार्ड लॉक करके बाहर से चाबी अंदर कैदी को पकड़ा भी दे, फिर भी वो बाहर हाथ डाल के लॉक अपने आप से खोल ही नहीं सकता, वो लॉक तक पहुंच भी नहीं सकता, इतना ज्यादा उन्होंने दिमाग लगा के इसका कंस्ट्रक्शन किया था। ये एक हॉस्पिटल, पहले ये एक राउंड इधर को ले ले, ये हॉस्पिटल बनाया वो है शायद, वहां क्या होता है, वही तो है लाइट हाउस, और वहां पे वो दिख रहा है। दोस्तों, इस जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर का नाम, दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, बटुकेश्वर दत्त और भी बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। आपको अकेला सा ही गार्डन दिखेगा, वो नॉर्थ वे होगा, ये रॉस है जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लाइट हाउस दिख रहे हैं, जेल के एंट्रेंस पे ही एक म्यूजियम है जो इस जेल के पुराने इतिहास को दर्शाता है और सच में देखने लायक है। सेलुलर जेल से निकल के हमारा प्लान था चिड़िया टापू जाने का, लेकिन हम बहुत लेट हो गए यहाँ से निकलने में, इसलिए अब अगर हम यहाँ से चिड़िया टापू जाएंगे तब तक पहुँचते पहुँचते चिड़िया टापू बंद ही हो जाएगा। सो हमने डिसाइड किया है कि हम कॉर्बिन्स कोव बीच जाएंगे।
अरविंद कोव्स बीच जो है वो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके चारों ओर ग्रीनरी ग्रीनरी और यहाँ का सनसेट काफ़ी फेमस है। इस बीच पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ लाइक पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग, ट्यूब राइड वगैरह वगैरह होती है और आप यहाँ सिंपली बैठ के कोकोनट वाटर पीते हुए सनसेट के भी मज़े ले सकते हैं। दोस्तों हमने डिसाइड किया था कि हम वाटर एक्टिविटीज़ हैवलॉक में ही करेंगे, तो हमने यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं की है, हम यहाँ सिंपली बस सनसेट ही देखने आए हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगें तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अपडेट आपको पता चल जाए।